हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 243। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उससे बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। ओके आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है एक रो में कितने हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या गिवन है, उससे बोला है कि इन अ रो ऑफ पर्सन पोजिशन ऑफ अर्जुन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 19। ओके उससे बोला कि एक रो में आपके पास अर्जुन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, 19 है अर्जुन, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ शिवम फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 18। ओके और जो पोजीशन है किसकी, शिवम की राइट साइड से, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है आपके पास 18, ठीक है। उसके बाद इफ मोहित इज सिटिंग जस्ट इन मिडल ऑफ अर्जुन एंड शिवम एंड पोजिशन ऑफ मोहित फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 25। ओके उसने ये बोला हमसे कि अगर मोहित अर्जुन और शिवम के एकदम बीच में बैठा हुआ है और जो मोहित की पोजिशन है लेफ्ट साइड से वो कितनी 25 है, मतलब कि अगर हम देखें यहाँ से आपके इस पोजिशन कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोहित। और अगर मोहित यहाँ पर है मतलब क्या, अर्जुन के राइट साइड में, इसका मतलब ऑब्वियसली आपके शिवम कहाँ पर होगा, इसी साइड बनेगा, ठीक है। शिवम यहाँ से कितना 18 है, फाइन। सो हम पता कर सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, बिकॉज देखिए आपके पास अगर हम मोहित की बात करते हैं वो यहाँ से कितना है, 25 है, ठीक है। अगर 25 है इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर इसके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे, 25 में से अगर हम 19 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 6, 6 माइनस 1 5, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने जाएंगे, 19 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 1 मोहित, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड में उसने क्या बोला कि इन अ रो ऑफ पर्सन पोजिशन ऑफ पूरन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 21। ओके उसने बोला कि एक रो में पोजीशन किसकी, पूरन की लेफ्ट साइड से कितनी है, 21 है, ठीक है। और चरण की राइट साइड से कितनी है, 29 है। ओके चरण की राइट साइड से कितनी है, 29 है, ठीक है। और उसके बाद इफ नमन इज सिटिंग जस्ट इन मिडल ऑफ पूरन एंड चरण। ओके और उसने बोला कि अगर नमन बैठा हुआ है किसके बीच में, पूरन और चरण के बीच में, और जो पोजीशन है किसकी, नमन की फ्रॉम पूरन इज 17। ओके और उसने हमसे बोला कि आपके पास जो नमन की पोजीशन है पूरन से वो 17 है। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, देखिए अगर मैं बात करता हूँ नमन की, तो नमन आपके पास इस साइड भी बन सकता है, ठीक है 17, और इस साइड भी तो बन सकता है ना 17, फाइन। और अगर हम देखेंगे अगर मैं इस वाली कंडीशन को लेता हूँ तो आपके पास ये जो चरण है वो इस साइड हो जाएगा, और अगर मैं इस वाली कंडीशन को लेता हूँ तो ये चरण आपके पास इस साइड हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आपके पास नंबर ऑफ पर्सन तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे ना टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ सेकंड से इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी, फाइन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, बोला है कि फ्यू गुड इज बेस्ट, कुछ गुड आपके पास क्या है वो बेस्ट है। ओके इसके बाद एवरी बेस्ट इज बेटर, हर एक बेस्ट क्या आपके पास बेटर है। ओके उसके बाद नो फियर इज गुड, कोई भी फियर गुड नहीं है। ओके उसके बाद फ्यू फियर इज एक्सीलेंट, कुछ फियर आपके पास क्या है एक्सीलेंट है। ओके कंक्लूजन की बात करते हैं, उससे वाला कि फ्यू बेटर कैन बी गुड, कुछ बेटर ओके आपके पास गुड हो सकते हैं क्या, ये तो ऑब्वियस है, तो इसका हम पॉसिबिलिटी में तो यूज़ कर ही नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फ्यू फेयर आर नॉट बेस्ट, कुछ फेयर ओके आपके पास बेस्ट नहीं है। अगर हम चाहें तो सारे सारे फेयर को बेस्ट के अंदर तो पुट कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये चीज़ बोलना कि कुछ फेयर बेस्ट नहीं है रॉन्ग होगा। उसके बाद एवरी बेटर बींग बेस्ट इज़ अ पॉसिबिलिटी, हर एक बेटर का ओके आपके पास बेस्ट होना पॉसिबिलिटी, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद एवरी बेटर कैन बी एक्सीलेंट, हर एक बेटर एक्सीलेंट हो सकता है,
तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद एवरी एक्सीलेंट कैन बी गुड, हर एक एक्सीलेंट गुड हो सकता है, नहीं ये वाला पार्ट आपके पास कभी भी गुड नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे हमसे बोला है कि नो वीडियो इज़ इमेज, कोई भी वीडियो इमेज नहीं है। उसके बाद नो इमेज इज़ डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद एवरी इमेज इज फाइल, हर एक इमेज क्या है वो फाइल है। उसके बाद फ्यू फाइल आर नॉट पिक्चर, कुछ फाइल आपके पास पिक्चर नहीं है। ओके अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो देखिए एवरी डॉक्यूमेंट कैन बी पिक्चर, हर एक डॉक्यूमेंट ओके वो आपके पास पिक्चर हो सकता है, तो हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फ्यू फाइल आर नॉट वीडियो, कुछ फाइल आपके पास वीडियो नहीं है, तो हाँ ये वाला जो पार्ट है ना फाइल का, वो कभी भी वीडियो नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है करेक्ट है। उसके बाद एवरी फाइल कैन बी डॉक्यूमेंट, हर एक फाइल ओके आपके पास डॉक्यूमेंट हो सकती है, तो नहीं हो पाएगी, बिकॉज हम जानते हैं ये वाला पार्ट कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फ्यू पिक्चर कैन बी इमेज, कुछ पिक्चर आपके पास इमेज बन सकती हैं, तो हाँ हम पिक्चर को इमेज के अंदर बना सकते हैं, इसका मतलब क्या है इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद एवरी वीडियो कैन बी पिक्चर, हर एक वीडियो पिक्चर हो सकती है, हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे हम सोल है कि वॉट इज़ द कोड ऑफ, ओके आपको इसका कोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं गेट, गेट आपके पास देखिए यहाँ पर गिवन है, गेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, गेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, गेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो एक कोड आपके पास ऐसा होगा जो कि और कहीं नहीं दिया हुआ है, एंड एंड यहाँ पर दिया हुआ है, एट द रेट यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपके पास और कहीं नहीं दिया हुआ है, हैश भी आपके पास दिया हुआ है। मतलब क्या इसके लिए कोड क्या होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर नहीं गिवन है, तो ये तो आपके पास नहीं हो सकता है, और अगर ये नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं यू की, तो यू आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों में आपके पास कॉमन है, इन दोनों में देखिए आपके पास क्या क्या कॉमन है, परसेंटेज कॉमन नहीं है, कॉपीराइट कॉमन नहीं है, हैश कॉमन नहीं है, एट द रेट कॉमन है, इसका मतलब क्या है इसके लिए एट द रेट होना ज़रूरी है, तो ये हो सकता है, ये भी आपके पास बन सकता है। उसके ट्राइंग की अगर हम बात करते हैं, तो ट्राइंग आपके पास देखिए यहाँ पर गिवन है, और ट्राइंग और कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आपके पास एक कोड होगा जो कि सिर्फ यहीं पर दिया हुआ है। देखिए अगर हम बात करते हैं डॉलर, तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके होने के चांसेस हैं, ये नहीं हो सकता, ये आपके पास इसके भी होने के चांसेस हैं, तो मतलब क्या ट्राइंग के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर ये गिवन है और यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है फॉलो की बात करते हैं, फॉलो यहाँ पर दिया हुआ है, फॉलो और कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है आपके पास सिर्फ कोड एक ऐसा होगा जो कि और कहीं नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है, कॉपीराइट नहीं दिया हुआ है कहीं पर, हैश दिया हुआ है, एट द रेट दिया हुआ है, मतलब क्या कॉपीराइट होना ज़रूरी है, यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईदर ए और बी इज़ करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द कोड दिस स्टैंड्स फॉर इन द गिवन लैंग्वेज, ओके आपको इसका कोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हैश की, हैश 1, 2 और 3, इन तीनों में देखिए कॉमन क्या आपके पास, डोंट कॉमन नहीं है, डिपेंड कॉमन नहीं है, ऑन कॉमन नहीं है, अदर्स कॉमन है, तो अदर्स होना ज़रूरी है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। कॉपीराइट की बात करते हैं, तो कॉपीराइट आपके पास सिर्फ यहीं पर था, और ये कोड किसका था, ये कोड था फॉलो का, तो फॉलो होना ज़रूरी है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर देखिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ था और एक यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों में कॉमन क्या आपके पास, डोंट कॉमन नहीं है, डिपेंड कॉमन नहीं है, ऑन कॉमन है, अदर्स कॉमन नहीं है, ऑन होना ज़रूरी है, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर भी ऑन है। एट द रेट की बात करते हैं, तो देखिए आपके पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर गिवन है, इन तीनों में आपके पास कॉमन क्या था, यू कॉमन था, तो यू होना ज़रूरी है, यू आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इनइक्वालिटी का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। आपके पास हैश का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, कॉपीराइट का मतलब क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन, पाई का मतलब क्या है, ए इज़ ईदर स्मॉलर और इक्वल टू, डॉलर का मतलब क्या है, ए इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल टू,
परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, तो परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आर और एस की, तो देखिए आर आपके पास यहाँ पर गिवन है और एस आपके पास यहाँ पर गिवन है या फिर यहाँ पर। हम आर से पहले पी जा सकते हैं, जो भी साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर पी से मैं एस जा सकता हूँ, जो साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायरिटी किसकी है, एच की, और वही गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब पी से अगर मैं टी की बात करता हूँ तो मैं कैसे आ सकता हूँ, देखिए पी से मैं एस जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर एस से मैं क्यू जा सकता हूँ, जो साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर हम एस और टी की बात करते हैं, तो देखिए एस से मैं टी कैसे जा सकता हूँ, पहले मैं एस से क्यू जाऊँगा, ठीक है, जो साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर उसके बाद क्यू से मैं टी जा सकता हूँ, जो साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, कॉपी राइट की, और वो यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यू से अगर मैं आर की बात करता हूँ, देखिए क्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर भी गिवन है, मैं क्यू से आर कैसे जा सकता हूँ, क्यू से पहले मैं एस जाऊँगा, जो साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर कॉपी राइट गिवन है, मैंने क्या टिक लगा दिया, हैश पर टिक लगा दिया। फिर अगर मैं बात करता हूँ एस से पी की, तो जो साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर पाई गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। आपके पास अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास डी से ए का उसने रिलेशन पूछा है, डी आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो डी से पहले मैं बी जाऊँगा, ठीक है, जो साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, आपके पास पाई गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर उसके बाद बी से मैं ई जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर ई से मैं ए जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं सी और बी की बात करता हूँ, देखिए सी आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, सी से पहले मैं ए जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर ए से मैं ई जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर ई से मैं बी आ सकता हूँ, जो भी साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए से अगर मैं डी की बात करता हूँ, देखिए ए से मैं डी कैसे आ सकता हूँ, ए से पहले मैं ई जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। फिर ई से मैं बी जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। फिर बी से मैं डी जाऊँगा, अगर बी से मैं डी जाऊँगा, जो साइन गिवन होगा वही साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पर देखिए पाई की गिवन है, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, परसेंटेज, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं डी और ए की बात करता हूँ, तो देखिए हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी इसका निकाला था, यहाँ पर भी इनके बीच में रिलेशन क्या आ रहा था, आपके पास ये होना चाहिए था, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइन, सो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।